मोटा जॉब करते हो एज ए बिगिनर, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। मैं टाटा स्टील खरीदा था, 50 शेयर खरीदा है 151 में, बट वो अभी माइनस में घूम रहा है, क्या करे इसके बारे में आई डोंट हैव एनी आईडिया। ओके सो दैट्स व्हाई आई कॉल यू। ठीक है ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है, आपने क्वालिटी स्टॉक पिक किया हुआ। लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, टाटा स्टील पे जरा नजरिया बताइए, 150-151 के आसपास इन्होंने खरीदा हुआ है और थोड़ा सा ये इसमें चिंतित हैं, क्या करना चाहिए? नो डाउट इसमें थोड़ी सी नरमी तो बनी हुई है, और अभी कुछ दिनों पहले ये 200 DMA के नीचे भी आ गया था, बट कुछ पिछले अगर हम 2 दिनों का मूव देखें तो यहाँ से एक करंट लेवल्स पे एक स्टेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है 147 से लेकर 149 के जोन पर, बट एक डिसाइसिव थ्रू आना जरूरी है 155 के ऊपर। एक बार टाटा स्टील 155 के स्तर के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वहां से ही अपना अपसाइड जो मूवमेंट है वो रिज्यूम कर सकता है, और फिर वहां से हमें 155 अगर वो निकालता है तो देन 165 के लेवल्स ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं। तो निचले स्तर पर मुझे लगता है कि इसको 145 होल्ड रखना चाहिए, और जब तक ये होल्ड रखता है 145 के लेवल्स को तब तक हम 155 के ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं।